वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो वीडियो है वो एक रक्षाबंधन मेकअप लुक इंस्पायर्ड वीडियो होने वाला है एंड दिस इज़ द लुक आई हैव कम अप विद। एक बहुत ही सिंपल सटल और बहुत ही क्विक मेकअप लुक है। आई डोंट नो इस बार हम कोई भी फेस्टिवल किस अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करने वाले हैं, ड्यू टू कोरोना वायरस हम सबसे मिल पाएंगे या नहीं, आई लिटरली डोंट नो। बट इंडिया में खास तौर पर देखा गया है कि किसी भी फेस्टिवल को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, फिर कंडीशन कुछ भी हो। तो ऐसा शायद इस बार भी होगा। सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन द वीडियो। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं इस ड्यूरेशन में, जब तक रक्षाबंधन नहीं आता है, मैं 3 मेकअप लुक क्रिएट करूँगी जो कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स आप किसी भी फेस्टिवल पे उसको अप्लाई कर सकते हो। सो वेट फॉर दैट। एंड या वन मोर थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का मलबरी ग्लो टोनर। एक बहुत ही रिफ्रेशिंग टोनर है। आई हाईली रिकमेंड दिस यू गाइस। एंड नाउ आई एम यूजिंग टी ट्री और मलबरी ऑयल कंट्रोल सीरम। ये मैं एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और एज अ प्राइमर भी, बिकॉज इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी है मेरे स्किन टोन के लिए। तो इट विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ प्राइमर। इसके लिए मैं कोई अलग प्राइमर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन बाय मेबलिन एंड दिस इज़ इन द शेड नेचुरल बफ। और इसको मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा डॉटेड तरीके से लगा लूँगी अपने फेस पर। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इस फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेटिंग योर नेक, मैंने ये अपने वीडियोज़ में पहले भी बोला है। और ये एक डैप ब्यूटी ब्लेंडर है, मैंने इसको नॉर्मल टैप वाटर के नीचे रखा और पूरा पानी से सोक कर लिया। जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर था उसको मैंने इसको प्रेस करके निकाला और जो भी मॉइस्चर बचा इस ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर, मैंने उससे अब अपने फाउंडेशन को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड दिस इज़ द राइट वे ऑफ यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर एंड दिस इज़ ऑल्सो बाई मेबलिन एंड दिस इज़ इन द शेड मीडियम। इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पर लगा रही हूँ, जैसे कि मेरा फोरहेड, अंडर माय आईज, ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज, अराउंड माय माउथ एरिया। जो भी एरिया मुझे फॉरवर्ड लेकर आना है वहाँ मैंने ये कंसीलर प्लेस किया है। और विद द हेल्प ऑफ सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको भी ब्लेंड करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस बैन नाई बनाना पाउडर। जहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उस एरिया को सेट करने के लिए मैं ये लूज पाउडर अप्लाई करूँगी सो दैट कंसीलर डू नॉट क्रीज। एंड लाइक ऑलवेज आई फॉरगॉट टू मॉइस्चराइज माई लिप्स। तो अब मैं अपने लिप्स मॉइस्चराइज करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस नीविया लिप बाम। अब बारी आती है हमारे ब्राउज़ की। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई ब्राउ किट। तो ये आपने मेरे पहले के काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा। और क्योंकि मेरे ब्राउज़ बहुत ज़्यादा अनइवन नहीं है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जस्ट जो भी स्पार एरियाज़ हैं मेरे आई ब्राउज़ के, मुझे सिर्फ उनको फिल करना होता है। और दे आर
अब मैं एक कोम की हेल्प से अपने आईब्राउज को कोम करूंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर आई मेकअप। तो अब मैं अपने आईज को कंसील करूंगी जस्ट टू कैंसिल द अनइवन स्किन टोन। और फिर ये सेम ब्यूटी ब्लेंडर है जिसको मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया था, उससे ब्लेंड करूंगी। एंड ताकि ये क्रीज ना हो, आई विल यूज़ द सेम बेनाई बनाना पाउडर जो कि एक लूज पाउडर है। तो अब मैं एले कलर का हाईलाइट और कॉन्टोर पैलेट यूज़ करूँगी एज माई ट्रांजिशन कलर। तो मैं हल्के हल्के हाथों से अपनी क्रीज डिफाइन कर रही हूँ ना, एंड उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। और सेम चीज़ मैं अपनी दूसरी आईज पर भी करूँगी, पहले क्रीज डिफाइन की और फिर उसको ब्लेंड कर लिया। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड मेटालिक आई शेडो इन द शेड 03। और इसको मैं हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करके एक हाफ कट क्रीज बनाऊंगी। और इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी तरह का लिक्विड आई शेडो अप्लाई नहीं किया है और ये मुझे बहुत पसंद आया। इसके मेरे पास सारे शेड्स हैं, और इफ़ यू गाइज वॉन्ट अ डिटेल्ड रिव्यू अबाउट इट तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू इट फॉर यू गाइज। एंड फिर इसको थोड़ा सा अपने हाथों से ही सुखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस डार्क शेड, इसको मैं अपने आउटर वी पर अप्लाई करूँगी इस तरह से। और अब उसी आई शेडो को अपने फिंगर से लेते हुए जो लिक्विड आई शेडो हमने अप्लाई किया है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि सारे जो आई शेडोज़ हमने अप्लाई किए हैं वो सब एक दूसरे से मिक्स दिखे। एंड नाउ यूजिंग दिस ब्लैक आई शेडो, ये बिल्कुल आउटर वी पर हम अप्लाई करेंगे इस तरह से, और इसको ब्लेंड करेंगे। और अब जो आई शेडो है उसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से मैं इसको शार्पन करूँगी। ये भी एक ट्रिक है, अगर आपका आई शेडो थोड़ा सा मेसी हो जाए एंड आपने अपना बेस ऑलरेडी आपने कर लिया है, तो दिस इज़ अ ट्रिक कि आप अपने कंसीलर को थोड़ा सा हाथ में लेकर इस तरह से अप्लाई करें ताकि जो भी मेसीनेस है वो क्लियर हो जाए। एंड नाउ आई एम हाईलाइटिंग माय ब्राउ बोन। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस सेम कॉन्टोर पैलेट अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए। इस तरह से मैं अपने चीक्स को कॉन्टोर कर रही हूँ और देन उसको ब्लेंड कर रही हूँ। आई डोंट नो, दिस इज़ द फन पार्ट। मुझे कॉन्टोरिंग अपने फेस पर काफ़ी अच्छी लगती है, ये एक शेप देती है आपके फेस को, और दिस इज़ समथिंग आई रियली लव अबाउट मेकअप। और अब मैं इंस्टेंट ग्लो का हाईलाइट पैलेट ले रही हूँ, इससे मैं अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करूँगी। और अपने ब्राउज के ऊपर और नोज को भी हाईलाइट करूँगी इस तरह से। और पहले मैं अपने नोज कॉन्टोर करना भूल गई थी तो वो अब कर रही हूँ। और अब ये ADS का ब्लश लिया है मैंने, एक बहुत ही पिंक पीच कलर का शेड है,
पहले भी यूज़ किया है कई बार मैंने वीडियोज़ में। अब ये लिक्विड आईलाइनर की हेल्प से मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं, एक मीडियम आईलाइनर लगा रही हूँ और उसके बाद एक छोटी सी विंग क्रिएट करूँगी इस तरह से। और जो स्टार्टिंग में मैंने ट्रांजिशन कलर लिया था उसी से मैं अपनी लोअर लैश लाइन भी स्मोक आउट कर रही हूँ। और अब ये मैक कॉस्मेटिक का आईलाइनर पेन है, उसकी हेल्प से मैं अपनी अपर वाटर लाइन टाइट लाइन करूँगी और अपनी लोअर वाटर लाइन पर भी इसको लगाऊंगी। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज़ इससे जो स्पार एरियाज होते हैं, जो नेकेड स्किन होती है हमारी आईज़ के और मस्कारा के बीच में, वो छुप जाती है। और अब ये एक आई लैश कलर की हेल्प से मैं अपने लैशेस कर्ल कर रही हूँ। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है इस पर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा जो मैंने अपनी आई लैशेस कर्ल किए थे उस पर लगा रही हूँ। एक बहुत ही वॉल्यूमिनस मस्कारा है ये बिकॉज मेरी आई लैशेस नेचुरली स्ट्रेट हैं, तो ये हेल्प करता है मेरे आई लैशेस को होल्ड करने के लिए जो कर्ल किए होते हैं मैंने अपने लैशेस। और अब मैं अपने लोअर लैशेस को भी उस पर भी मस्कारा लगाऊंगी ताकि मेरी आईज वाइड ओपन दिखे। और फॉर द लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन की लिपस्टिक इन द शेड 691। बहुत ही प्यारा शेड है ये। और अब अपने मेकअप को लॉक करने के लिए मैं ये हुडा ब्यूटी का फिक्सिंग स्प्रे ले रही हूँ। दीज आर द ईयरिंग्स, दिस इज़ द ब्रेसलेट, ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था बाय द वे, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज़ किए हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। बहुत ही सिंपल क्विक लुक है। एंड या सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप और वेट फॉर माई नेक्स्ट टू वीडियोज विच आर कमिंग अप सून एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।